सपोर्ट करना, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि सर से एक ही मुँह से सुनो, मुख्य धारा से भटक गए जी जी, उनको भी एक सही मार्गदर्शन देना। तो देश के रीवा में हमारी आज पत्रकार वार्ता का यह उद्देश्य है कि हम बाल कांग्रेस के गठन के बारे में बताएं। बाल कांग्रेस का गठन 14 नवंबर को माननीय कमलनाथ जी द्वारा किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म दिवस पर। बाल कांग्रेस में 16 से 21 साल के जितने भी युवा हैं हम उन्हें जोड़ेंगे, जो आज इतिहास के बारे में उन्हें गलत गलत चीजें बताई जा रही, जो उनके दिमाग में भ्रम भरा जा रहा है, जहर भरा जा रहा है, वो सच्चाई बताना बाल कांग्रेस का काम है। और उनकी जितनी भी परेशानियां आती, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, उन सबकी काउंसलिंग करना बाल कांग्रेस का काम। युवा की आज जितनी भी परेशानी है वो बाल कांग्रेस से जुड़े और बाल कांग्रेस उनकी पूरी परेशानियों में उनके पूरा सहयोग करेगी। क्या लाभ होगा उनको जुड़ने से? उनको जुड़ने से ये लाभ होगा कि चाहे उनकी पढ़ाई में परेशानी हो, स्पोर्ट्स में परेशानी हो, किसी भी चीज़ की परेशानी हो, बाल कांग्रेस उसका साथ देगी। और जो ग्रामीण क्षेत्र में छिपी प्रतिभा है, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मंच नहीं मिल पाता, वो मंच बाल कांग्रेस उन्हें देगी। कितने वर्षों का पाठ पढ़ाएंगे उनको? नहीं, देखिए, इसमें हमारा पाठ पढ़ाना मुख्य उद्देश्य नहीं है। बाल कांग्रेस में जो उनकी एक्चुअल परेशानियां हैं वो परेशानियां सुलझाना हमारा काम है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में छिपी प्रतिभा है, जिन्हें आगे आने के लिए मंच नहीं मिल पाता। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, सिटीज में भी बहुत सारी युवा है जिन्हें खेल से रिलेटेड कुछ परेशानियां आती है, उन्हें पढ़ाई के लिए परेशानियां आती है, मैदान नहीं मिलता, पढ़ाई के लिए उन्हें उचित सुविधाएं नहीं मिल पाती, ये सारी परेशानियां बाल कांग्रेस के माध्यम से। एनएसवाई लगी हुई है आपके? नहीं, देखिए, एनएसवाई स्टूडेंट्स के लिए वो कॉलेज में चालू होती, लेकिन हम 16 17 18 साल के युवाओं को भी जोड़ रहे हैं, उन्हें जो भी परेशानी हो हमसे जोड़ मिलेंगे। 16 17 साल 18 साल स्कूल में मिलेंगे। इसमें एनएसवाई और बाल कांग्रेस का कंसेप्ट अलग है। बाल कांग्रेस एक सेवा की संस्था है, इसका पूरा कंसेप्ट एनएसयूआई से अलग है। क्या नाम है आपका? लक्ष्य गुप्ता। पूरा पात्र बताइए। मैं लक्ष्य गुप्ता हूँ, मुझे प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है।